गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, हम लोग आज लाए हैं ब्रांड एम्बेसडर 2018, जो 2018 में जो चुने गए हैं उनकी है और उससे पहले की भी जो इम्पोर्टेंट है। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे और विथ ट्रिक, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। आपको कोई किसी तरह का दिमाग में बोझ लेने की ज़रूरत नहीं, याद भी यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स बताते जाएंगे और पूरा ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी की ही शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे अतुल्य भारत, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है ये खुद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, पहले अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान थे, लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी है। उसके बाद है दूसरे नंबर पर, ये तो खैर याद ही रहेगा। उसके बाद है सिक्किम, AR रहमान। ठीक है ना, तो सिक्किम का AR रहमान थोड़ा सा ट्रिक याद रहेगा। सिक्किम ऐसा लग रहा सिंगिंग सुनने में, ठीक है ना, तो AR रहमान संगीत से है, तो इस तरह से आपको याद रहना है सिक्किम सिंगिंग AR रहमान याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है मोमेंटम झारखंड, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन हो सकता है, तो MS धोनी। ये झारखंड के ही है इसलिए याद रहेगा। उसके बाद यूएन इन्वायरमेंट ग्लोबल गुडविल, ठीक है ना, यूएन इन्वायरमेंट ग्लोबल गुडविल, इसके है एली गोल्डिंग। ठीक है ना, तो देखिए इन्वायरमेंट है यूएन के लिए है, इन्वायरमेंट का ई लेंगे तो ई से एली हो जाएगा, और ग्लोबल से यह ग्लो है और यहाँ भी गोल्ड है, गोल्डिंग ग्लोबल गोल्डिंग, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ग्लो जी से है ग्लो, तो यूएन इन्वायरमेंट ग्लोबल गुडविल एली गोल्डिंग, तो एली से इन्वायरमेंट आपको याद हो जाएगा गोल्डिंग। ठीक है, उसके बाद पोकर स्पोर्ट्स लीग, ये है विश्वनाथ आनंद, तो पोकर स्पोर्ट्स लीग इसको याद ऐसे रखेंगे, पाकर स्पोर्ट्स लीग विश्व में नाम हो गया और मज़ा आ गया, आनंद आ गया। ठीक है ना, पाकर स्पोर्ट्स लीग विश्व में नाम हो गया और आनंद आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, ये ट्रिक के साथ भी याद करा दे रहे ताकि आपको यहीं पे याद हो, कोई रिवीजन रिक्वायर्ड नहीं। उसके बाद ममता अभियान MP, ये मध्य प्रदेश का अभियान है, इसके माधुरी दीक्षित, देखिए ममता माधुरी, ठीक है ना, एक और इसी नाम से है माँ, वो भी माधुरी दीक्षित, आगे बताएंगे तो ये याद हो जाएगा, ममता और माँ से रिलेटेड माधुरी दीक्षित। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, तो इसके हैं सानिया मिर्जा और महेश बाबू, ठीक है ना, वो साउथ के हैं तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, तेलंगाना के हैं, हैदराबाद की है सानिया मिर्जा, तो आपको ऐसे ही याद रहे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ब्रांड एम्बेसडर वहाँ जो रीजनल जो होता है लोकल उसी को चुना जाता है। ठीक है, तो तेलंगाना सानिया मिर्जा महेश बाबू, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL, ये रणवीर सिंह, तो इसे याद कैसे करेंगे, EPL सुनने में IPL के तरह लग रहा है, ठीक है ना, तो IPL, तो आप इमेजिन कीजिए IPL में आप खेल रहे हैं और बोल रहे हैं रन दौड़ो वीर दौड़ो रन रन, तो रणवीर याद हो, रन का रिलेशन क्रिकेट से है और IPL बहुत मशहूर है, तो IPL से EPL आपको याद कनेक्ट कर देना है। ठीक, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL रणवीर सिंह आपको याद है ना, रन से शुरू होता है, खैर ये तो याद हो ही गया होगा। गवर्नमेंट्स फ्लैग एग्री स्कीम, ये अक्षय कुमार, ठीक है, तो गवर्नमेंट फ्लैगशिप एग्री स्कीम अक्षय कुमार, फ्लैग से आपको याद है फ्लैग अक्षय से सोच लेना आकाश, अक्षय आकाश मिलते जुलते, तो आकाश में फ्लैग को लहरा रहे हैं अपने देश के फ्लैग को, बस इस तरह इमेजिन कर लेना। गवर्नमेंट्स फ्लैग एग्री स्कीम अक्षय कुमार, अक्षय कुमार बहुत सारे स्कीम में और ये में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे आ जाएगा, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूएन इन्वायरमेंट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया, यहाँ फॉर इंडिया है, ठीक है ना, तो इसको याद है यूएन का जो इन्वायरमेंट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया, तो हमको ऐसा सुनने में लग रहा है कि यूएन जो है गुडविल दिया है एम्बेसडर का इंडिया को दिया, गुडविल दिया, तो दिया से दिया मिर्जा याद आ जाएगा, इंडिया को दिया, दिया मिर्जा याद आ जाएगा।
उसके बाद है स्वच्छ आंध्र मिशन, ठीक है, पीवी सिंधु। तो स्वच्छ आंध्र मिशन से याद रखेंगे कि अंदर आंध्र को अंदर से स्वच्छ रहना है, तो मतलब कि स्वच्छ अंदर से रहते हैं पवित्र पवित्र साधु। तो पीवी से पवित्र, साधु से सिंधु याद है, ठीक है ना, अंदर से आंध्र, स्वच्छ आंध्र मिशन पीवी सिंधु। ट्रिक बताने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। उसके बाद गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुरेश रैना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए गाजियाबाद, ठीक है ना, गाजियाबाद को जो है फ्रेश रखना है तो सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, ऐसे याद रखना है। गाजियाबाद आपको याद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया परिणीति चोपड़ा। देखिए अब इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, टूरिज्म करना है ऑस्ट्रेलिया का तो पर मैंने तो नीति ही नहीं बनाई, ठीक है ना, परिणीति चोपड़ा, ठीक है ना, इस तरह से आपको इमेजिन करना है थोड़ा सा। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन उत्तराखंड, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है, लेकिन उत्तराखंड और यूपी का अक्षय कुमार है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा होगा एक फिल्म भी आया था इसके, मतलब कि अब जो है ना इसमें जुड़ गए हैं। तो हमको ऐसे याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन में उतर गए हैं, ठीक है ना, उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कौन, अक्षय कुमार। इनका फिल्म भी आया था टॉयलेट एक प्रेम कथा है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अक्षय कुमार। आगे बढ़ते हैं, WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकली फिजिकल एक्टिविटी। WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकल एक्टिविटी, तो आप इसको याद कैसे रहेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव रहना है तो मिल्क खाओ, तो मिल्खा सिंह याद हो जाएगा। इसके बाद है यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर लिली सिंह। देखिए यूनिसेफ से हमको ऐसा लग रहा है कि यूनिक शेप होता है किसका, लिली का, लिली लिली फूल का, ठीक है ना, एकदम गोल होता है गोल, तो यूनिसेफ गोल से ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर लिली सिंह आपको याद होता भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है वन्य जीव ट्रस्ट फॉर ऑफ इंडिया, ये दिया मिर्जा। तो वन्य जीव से हम ऐसा याद रखेंगे कि वन्य जीव को बचाना है तो दया करना होगा, ठीक है ना, वन्य जीव पर दया करना होगा, ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना होगा, दया करना होगा, दया से दिया मिर्जा याद हो जाएगा। GST प्रमोट के लिए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ठीक है ना, तो अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। तो देखिए जैसे लोग GST को बोलते हैं ना गब्बर सिंह टैक्स, तो गब्बर सिंह 16 में कौन रहता है, अमिताभ बच्चन, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये मजाक है थोड़ा सा फनी बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस के लिए भी जो है WHO के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया हेपेटाइटिस के लिए, तो अमिताभ बच्चन को, इसका एड भी आपने देखा होगा DD नेशनल में, हेपेटाइटिस बीमारी जो है उसके लिए तो अमिताभ बच्चन है, इसको याद रखना है। उसके बाद है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शाहिद अफरीदी है। तो देखिए शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा छक्का मारते हैं, ठीक है ना, ऐसा मारते हैं जैसे कि एकदम आँख बंद करके मार, जिधर चला रहे हैं छक्का जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से याद रखें कि एकदम अंधों की तरह जिधर पाते हैं एकदम मारना शुरू कर दे, तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप शाहिद अफरीदी। नहीं बस थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक में ऐसा ही होता है कि कुछ उठपटांग जोड़ के याद किया, तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है उसके लिए है, ठीक है ना। उसके बाद है ICC चैंपियन ट्रॉफी, ये हरभजन सिंह, ठीक है ना, आई फॉर इंडिया याद रखना है हरभजन सिंह, ठीक है। उसके बाद एम्बेसडर रोल एट फीफा, ठीक है, फुटबॉल से है डियागो मैराडोना, ठीक है ना, तो ये तो फुटबॉल से मशहूर है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ द कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान की जो पहली महिला एम्बेसडर है प्रथम, वो अनुष्का शर्मा है, ठीक है ना, याद रखना अनुष्का शर्मा, शर्मा से शुरू याद रखना, शुरू में स्वच्छ भारत अभियान अनुष्का शर्मा, शुरू से शर्मा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये पुराना है लेकिन याद रखना इसलिए कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म, तो जॉन अब्राहम,
अरुणाचल से ऐसे लग रहा कि अरुणचल अब राह में, यानी राह में चल, चल से अरुणाचल, राह में, राह मीन्स रास्ता, तो अब राह में तो अब्राहम याद हो, जॉन अब्राहम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म और जॉन अब्राहम, CRPF PV सिंधु, PF है PV, याद रखना यहाँ से, PV PF CRPF के PV सिंधु, ठीक है। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हरियाणा से जो ये शुरू हुआ है, हरियाणा के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जो हरियाणा ही से है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है साक्षी मलिक। उसके बाद PNB पंजाब नेशनल बैंक, ये विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। अब कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो इस तरह याद है, पंजाब से लिख सके तो पंजा, यानी पंजे में दम है विराट कोहली का, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, विराट कोहली याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल, शाहरुख खान, तो वेस्ट बंगाल से आपको कोलकाता नाइट राइडर्स याद आ जाएगा, शाहरुख खान, तो वेस्ट बंगाल शाहरुख खान आपको याद हो जाएगा। उसके बाद योगा आयुर्वेदा हरियाणा, ये है बाबा रामदेव, ठीक है, योगा जो है, योगा और आयुर्वेदा के लिए हरियाणा की से, हरियाणा से जो ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है, ठीक है, तो आप जानते हैं योगा करते हैं, आयुर्वेदा ही से लिया गया योग। अब देखिए डिजिटल इंडिया, इंडिया ये अंकित फादिया, ये पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादातर जो सरकार की जो स्कीम है उससे रिलेटेड आ जाता है, तो डिजिटल इंडिया, डिजिट मतलब होता है अंक, तो अंक से अंकित फादिया याद हो जाएगा। उसके बाद स्वच्छ साथी दिया मिर्जा, ठीक है ना, स्वच्छ साथी यानी स्वच्छ से लेंगे स्वच्छ एकदम साफ सुथरा, साथी दिया क्या, साथ दिया, यानी तो दिया मिर्जा इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है, स्वच्छ साथी दिया मिर्जा। उसके बाद माँ, मदर्स, माँ का फुल फॉर्म जो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो माँ से माधुरी दीक्षित, हम बताए थे ममता और माँ दोनों के लिए, माँ से माधुरी दीक्षित याद हो जाएगा। फिर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, ये दीपिका पादुकोण, तो साइकेट्रिस्ट से जो है ना, जो साइकोलॉजी का जो है डीप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, डीप में अध्ययन करके साइकेट्रिक बनते हैं, ठीक है, तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी डीप से दीपिका पादुकोण। उसके बाद नन कम्युनिकेबल डिसीज USA, जिस तरह WHO के लिए जो हमने बताया था हेपेटाइटिस के लिए अमिताभ बच्चन, तो उसी तरह नन कम्युनिकेबल डिसीज जो होता है, तो USA की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है माइकल ब्लूमबर्ग, बस इसे याद रखना है माइकल ब्लूमबर्ग, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट था इसलिए ले लिए। उसके बाद चाइना की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है जेम्स चाउ है, तो जेम्स चाउ, चाउ और चाइना मिलता जुलता है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो चाइना के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर जेम्स चाउ है। तो इस तरह से हमने 35 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो सवाल में 2018 के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बता दिए है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।